गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साधारणतः आम पितामाता हेउछन्ति आमर प्रथम गुरु, किंतु पितामाता परे आम जीवन रे आसथन्ति विद्यालय गुरु। से आमर प्रत्येक छोट बड़ भूल को क्षमा करि आमको उचित शिक्षा दे आम भविष्यतर जीवन यात्रा को सरल और आलोकित करथन्ति। जुगे जुगे गुरु हेउछन्ति पूज्य और चिर नमस्य। से अज्ञानता को दूर करी आंभ मानकर ज्ञानर चक्षु खोली दियंती। बिना गुरु रे विद्यार्जन केबे भी संभव होई पारे नाही। सुंदर चरित्र गठन करिवारे केवल गुरु ही सहायक होइथांती। भारत बर्षर गुरु परंपरा अति प्राचीन और महान। जने छात्र जीवन रे गुरुक अवदान को केबे हेले अणदेखा करा जाई परिबो नाही। वैदिक जुगरे पवित्र परिवेश रे गुरु कुलाश्रम गढ़ी उठिथिला। शिष्य बा छात्र गुरुक तत्वावधान रही विद्या लाभ करुथिले। आत्मज्ञान सहित उदार विश्व ज्ञान रे छात्र भूषित होता। ज्ञान पोथीगत न होई वास्तववादी थिला। छात्रर सामूहिक उन्नति पाई गुरु थिले सर्वे सर्वा। छात्रर सेवा भक्ति और कर्तव्य निष्ठार मुग्ध हो से निजर ज्ञान रु निष्कपट हृदय वितरण करुथिले। तेणु गुरु आमर पूज्य और नमस्य। भारतीय दर्शन साहित्य शिक्षा संस्कृति धर्म कला और राजनीति क्षेत्र में निजर व्यक्तित्व पराकाष्ठा प्रदर्शन करथिबा पृथ्वीर बौद्धिक जगतर उज्ज्वल ज्योतिष बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी आदर्श शिक्षक तथा भारतर द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिवस को आज दिन में 1962 गुरुदिवस रूपे पालन करा जाउछि। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सेप्टेम्बर 1888 मांद्राजर तुरुभणी ठारे एक साधारण ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता वीरस्वामी थिले जणे ग्राम अवधान। पिलादिने राधाकृष्णन डरुआ थिले, संज हेले घरु बाहरु नथिले, बरम निरोळारे एकुटिया रहिबाकु भल पाउथिले ओ प्रतिदिन सावधानता सह चलिबाकु पसंद करथिले। मांद्राजर ख्रिस्टियन कॉलेज रे नाम लेखाइ सेठारे दर्शन शास्त्र रे सम्मानर सह खूब भल नंबर रखी बीए पास कले। अर्थाभाव तांको उच्च शिक्षा क्षेत्र में अंतराय सृष्टि करथिला, किंतु दुख कष्ट अभाव असुविधा मध्यरे रही मात्र 20 वर्ष बयस रे मांद्राज विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र रे प्रथम श्रेणी रे प्रथम स्थान लाभ करी स्नातकोत्तर पास करथिले। शिक्षा परिसमाप्ति परे मात्र 21 वर्ष बयस रे 1909 मांद्राजर प्रेसिडेंसी कॉलेज दर्शन शास्त्र रे सहकारी अध्यापक पद रे प्रथमे जोग देले। दर्शन शास्त्र रे अगाध ज्ञान छात्र वत्सलता और निरहंकार स्वभाव जोगु सुख्याति अर्जन करी सबु महल रे से आदृत लाभ करथिले। 1919 महीशूर विश्वविद्यालय दर्शन विभाग विभागीय मुख्य भाव रे जोग देले। एही समय रे तांकर गवेषणा संबलित उच्च कोटीर मूल्यवान दार्शनिक प्रबंध मान इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स मॉर्निंग्स क्वेस्ट समेत देशर विभिन्न प्रमुख ख्याति संपन्न पत्र पत्रिकारे प्रकाशित होला। क्रमे भारतीय स्तर रे जणे प्रतिभा संपन्न दार्शनिक भावरे स्वीकृति लाभ करी से विपुल प्रशंसा लाभ करथिले। राधाकृष्णन महीशूर कलिकता जाई 1921 कलिकता विश्वविद्यालय रे सम्राट पंचम जॉर्ज दर्शन चेयर प्रोफेसर पदवी रे अधिष्ठित होइथिले। 1926 ऑक्सफोर्ड रो मैनचेस्टर महाविद्यालय तरफरु हिंदू जीवन रो दर्शन उपरे एक वक्तृता प्रदान करिबा पई निमंत्रित होइथिले। 1929 से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मैनचेस्टर महाविद्यालय प्राच्य धर्म विभाग रे अध्यापक रूपे जोगदे धर्म नीति आदर्श उपरे पर्यवेक्षित अनेक निबंध उपस्थापन पई सुजोग पाइथिले। आदर्श और नैतिकता को मूल भित्ति करी समाज गढ़ी उठे बोली से प्रतिपादित करथिले एवं पारस्परिक बुझामणा स्नेह सौहार्द्य भाव आदान प्रदान रे एक सुस्थ वातावरण को भित्ति करी परिपृष्ट हुए बोली बुझाइथिले। अध्यापक रूपे राधाकृष्णन अध्ययन और अध्ययना स्मरणीय विभिन्न भावरे शिक्षा सह प्रत्यक्ष संप्रति थाई मूल्यबोध भित्तिक शिक्षार विकास पई से कार्य करथिले। 1935 से आंध्र विश्वविद्यालय कुलपति हेले। कुलपतित्व समय प्रशासनिक परिचालना दक्षता जोगु से महात्मा गांधी प्रिय भाजन हो पारिथिले। गांधीजी परामर्श अनुजाई पंडित मदन मोहन मालव्य राधाकृष्णन बनारस हिंदू
विश्वविद्यालयर कुलपति पदवी ग्रहण करने अनुरोध करिवारु से 1939 रु 1948 पर्यंत एही दायित्व सुचारु रूपे संपादन करथिले। 1944 रे इंडिया चाइना एजुकेशन पॉलिटिक्स एंड वार इत्यादि तांकर बहु उपादेय पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयर प्रचलित पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त होता। भारतीय दर्शन कांग्रेसर सभापति मिलित जातिसंघ शिक्षा और सांस्कृतिक परिषदर अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय मंजूरी आयोगर अध्यक्ष इत्यादि गुरुत्वपूर्ण पदपदवी से अधिष्ठित होते। एकाधार राधाकृष्णन जड़े आदर्श शिक्षक प्रशासक विश्वविख्यात दार्शनिक सफल कूटनीतिज्ञ आंतर्जातिक ख्याति संपन्न लेखक सुवक्ता समालोचक संस्कारक शिक्षाविद तथा मानववादर महान प्रवक्ता थे। ब्रिटिश एकेडमी ताकू फेलोशिप ऑफ ऑल सोल्स उपाधि प्रदान करथिले। अमेरिका एडनोरो विश्वविद्यालय एवं न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय ताकू डॉक्टर ऑफ लॉ बैंकिंगहम राजप्रसाद रे ताकू देशर सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान करा जायथिबा बेले मंगोलिया सरकार ज्ञानगुरु भारतीय विद्या भवन ताकू विद्या भास्कर उपाधि रे भूषित करथिले। 1949 रे ई महान व्यक्ति स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गत जवाहरलाल नेहरू को द्वारा सोवियत संघर राष्ट्रदूत भाव में अवस्थापित हेले। सेतेबेले स्टालिन सोवियत रु सर्वमय कर्ता थांती। आवश्यक स्थले तांको सह साक्षात करिबा जणे साधारण पदाधिकारी को पई कष्टसाध्य व्यापार थिला। मात्र भारतर जणे विश्वविख्यात दार्शनिक तांको देशकु राष्ट्रदूत रूपे निजुक्ति पई प्रेरित होइथिबा जाणिबा परे स्टालिन निज तरफरु साक्षात पई राधाकृष्णन को निमंत्रण जणाइथिले। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ରୁଷ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତା ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖାଯାଇପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସି 1952 ସବୁ ଦଳର ସମର୍ଥନରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଦେଶର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 12 May 1962 ରେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକତାରୁ ଆସି ମୁଁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ମୋ ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ ନ କରି ଯଦି ସମଗ୍ର ଗୁରୁକୁଳକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ହେବ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 1962 ठारु सेप्टेम्बर 5 तारीख को समग्र देश में गुरु दिवस रूपे पालन करा जाई आसुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।